गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर मींस थ्रेड या धागे, और फैब्रिक मींस क्लोथ्स या कपड़े। कि कैसे हमें जो है धागे कहाँ से प्राप्त होते हैं और उन धागों से कपड़े कैसे बनते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग। नेचुरल फाइबर्स आर थ्रेड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो फाइबर हैं वो एक तरह के थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, जिनको रेशे कहा जाता है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन क्लास सिक्स वी हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स विच आर यूज टू मेक फैब्रिक। सिक्स क्लास में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था फाइबर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्लांट्स गिव अस कॉटन फाइबर। कॉटन के प्लांट से हमें कॉटन के धागे मिलते हैं, विच आर यूज फॉर मेकिंग कॉटन फैब्रिक, जिससे कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑल प्लांट फाइबर। तो ये तीनों जो हैं प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं, कॉटन भी, फ्लैक्स भी और जूट भी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। कि प्रीवियस क्लास में तो हमने ये पढ़ा था कि हमें प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि हमें एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। द टू इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। तो एक तो वूल पढ़ेंगे, जिसे ऊन बोलते हैं, और दूसरा है सिल्क। वूल कम्स फ्रॉम एनिमल सच एज शीप, गोट एंड याक। इन तीनों से मिलता है मेनली वूल, शीप से भी, गोट से भी और याक से भी। वेयर एज सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म। और सिल्क हमें, जो सिल्क वॉर्म होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उससे मिलता है। सो वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर, इसलिए इन दोनों को एनिमल फाइबर कहा जाता है। वूल इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स एंड वीविंग शॉल्स। वूल का कहाँ यूज़ होता है? या तो स्वेटर बुनने में, या शॉल की वीविंग करने में, शॉल बनाने में, जो सर्दियों में सर्दियों के कपड़े बनते हैं। एंड अदर वूलन क्लोथ्स, और भी जो वूल के क्लोथ बनते हैं वो बनाने में यूज़ होता है। सिल्क इज़ जस्ट फॉर मेकिंग साड़ीज़ एंड अदर ड्रेसेस। और सिल्क फाइबर का कहाँ यूज़ होता है? या तो साड़ीज़ बनाने में, या और जो सिल्क की ड्रेसेस बनती हैं वो बनाने में। वी विल नाउ डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ वूल एंड सिल्क इन डिटेल वन बाय वन। सबसे पहले हम वूल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। वूल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फाइबर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एनिमल फाइबर है। वूल इज़ द सॉफ्ट वेवी हेयर विच कवर्स द बॉडी ऑफ ए शिप। कि शिप की पूरी बॉडी के ऊपर जो है सॉफ्ट कवरिंग होती है एक, और जो कर्ली हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे, उन सबको कहा जाता है वूल। एक्चुअली वूल इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेयर। वूल होती क्या है? शिप के हेयर को ही वूल कहा जाता है। तो दैट ग्रोज विद ए वेवीनेस, और वो जो बाल होते हैं शिप के, हेयर जो होते हैं, उनमें वेव्स वेवी होते हैं। वेवी का मतलब होता है थोड़े करली होते हैं। बिकॉज ऑफ द वेवीनेस ऑफ वूल, द वूलन फैब्रिक्स हैव ए ग्रेटर बल्क देन द कॉटन फैब्रिक्स। तो इनके अंदर वेवीनेस होने की वजह से, ये करली होने की वजह से, ये थोड़े इकट्ठे होके फाइबर जो है थिक फाइबर बनाते हैं। इसीलिए कॉटन वाले फाइबर जो है वो पतले पतले फाइबर बनते हैं, लेकिन वूल के जो फाइबर होते हैं वो थिक होते हैं। एंड हैंस ट्रैप मोर एयर, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा हवा भर जाती है। ड्यू टू दिस वूलन फैब्रिक्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग कोल्ड। और सर्दियों के दिनों में जो वूलन फैब्रिक होते हैं ये हमें गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि वूलन फैब्रिक के अंदर हमें पता है हवा भर जाती है, और हवा क्या करती है? गर्मी और सर्दी के प्रति रेजिस्टेंस होती है, यानी कि एयर जो है ना, तो वो गर्मी को पास होने देती है अपने अंदर से, ना ही ठंड को पास होने देती है। तो सर्दियों में हमें ठंड से बचाती है वूल। वूल कम्स फ्रॉम शीप, शीप से मिलती है वूल। एक्चुअली वूल इज़ शीयर्ड, शीयर्ड का मतलब होता है कि उनकी जो शिप की जो खाल होती है वो पूरी खाल को ही कट कर लिया जाता है ऊपर से, तो उस खाल से फिर बाद में वूल प्राप्त किया जाता है। दो वूल कम्स मेनली फ्रॉम शिप, क्योंकि वूल मेनली शिप से मिलती है। सम अदर एनिमल्स आल्सो गिव अस वूल, कुछ और एनिमल हैं उनसे भी हमें थोड़ी बहुत शिप मिलती है, जिनको हम पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कौन कौन से एनिमल से हमें वूल मिलती है शिप को छोड़ के? वूल कम्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक शिप, गोट, यैक, कैमल, लेमा एंड एल्पेका।
इन अदर वर्ड्स द वूल यील्डिंग एनिमल्स आर शिप, गोट, यक, कैमल, लेमा एंड एल्पेका. इन सब की पिक्चर्स दिखाई हुई है नीचे फिगर में. द वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी. उनकी पूरी बॉडी के ऊपर बालों की एक मोटी चमड़ी होती है. इन दिस हेयर विच गिव अस वूल, एक्चुअली द वूल यील्डिंग एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप दैम वार्म ड्यूरिंग कोल्ड विंटर. कि वैसे नेचर ने उनकी बॉडी के ऊपर ये बालों की मोटी परत क्यों दी है, ताकि वो सर्दियों में ठंड से बच सकें. द हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर. इनके बालों के बीच में बहुत सारी हवा फंस जाती है. एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, यानी कि हीट को अपने बीच में से क्रॉस नहीं होने देती. तो सो एयर ट्रैप्ड इन हेयर ऑफ दीज एनिमल्स प्रिवेंट देयर बॉडी हीट फ्रॉम बींग लॉस्ट टू कोल्ड सराउंडिंग. तो अगर बाहर ठंड है तो उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहता है. क्यों? क्योंकि अंदर की गर्मी बाहर के ठंडे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्मी बाहर अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर हेयर की मोटी परत होती है और उसके अंदर एयर भरी हुई है. वो एयर क्या करती है, अंदर वाली गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती. दिस इज़ वाई द हेयर ऑफ दिस एनिमल इज़ रिमूव्ड ओनली वंस ए ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ समर. इसीलिए इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर से बाल कब उतारे जाते हैं, जब गर्मियों की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि सर्दियों में तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है ठंड से. दे कैन सर्वाइव इन हॉट वेदर विदाउट हेयर. गर्मी के मौसम में वो हॉट वेदर में सर्वाइव कर जाते हैं बिना हेयर के, और अगले सीज़न सर्दियां आने तक दोबारा से आ जाते हैं उनकी बॉडी पे बाल. एंड बाय द टाइम विंटर कम द थिक हेयर अगेन ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स. कि दोबारा से उनकी बॉडी पर जो है थिक हेयर ग्रो कर जाते हैं अगली सर्दियां आने तक. वूल इज़ मोस्ट कॉमनली ऑब्टेंड फ्रॉम शिप. वूल मेनली कहाँ से मिलता है हमें, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम शिप. शिप आर रियर्ड. रियर्ड का मतलब है पाला जाता है शिप को. शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में पालते हैं शिप को फॉर गेटिंग वूल. द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ब्रीड ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर ऑब्टेनिंग वूल, द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेंड एंड द नेम ऑफ स्टेट्स हेयर दीज शिप्स आर फाउंड आर गिवन दिस इन दिस टेबल. ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है नेम ऑफ द ब्रीड ऑफ शिप. शिप की कौन सी ब्रीड है, इसमें किस क्वालिटी की वूल मिलती है, वो सेकंड कॉलम में दिया है. और थर्ड कॉलम में दिया हुआ है नेम ऑफ द स्टेट, कि कौन से राज्य में, हमारे इंडिया के कौन से राज्य में मिलती है ये. तो सबसे पहली ब्रीड है लोही. लोही से जो है गुड क्वालिटी की वूल मिलती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं शिप. रामपुर बुशहर, ये ब्राउन फ्लीज, इनकी जो ब्राउन कलर की वूल मिलती है इनसे, ये यूपी में और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं. नाली, ये जो है कारपेट वूल, कारपेट बनाने वाली ऊन मिलती है इनसे, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती हैं. नेक्स्ट इज़ बखरवाल, ये जो है शॉल बनाने में यूज़ होने वाली वूल होती है, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं ये वाली शिप. मारवाड़ी, इनसे कोर्स वूल मिलती है, ज़्यादा थोड़ी मोटे टाइप की वूल मिलती है, ये पाई जाती है गुजरात में. और है पतनवादी, ठीक है, ये होजरी के कपड़े बनाने में यूज़ होने वाली वूल है और ये भी गुजरात में पाई जाती है. तो ये डिफरेंट ब्रीड्स दिखाई हैं शिप की. द हेयरी स्किन ऑफ शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. यानी कि जो हेयरी स्किन होती है शिप की, उसके ऊपर दो तरह के फाइबर होते हैं जो इसकी स्किन के ऊपर मोटी परत बनाते हैं, वूल कोट बनाते हैं. द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. कि ऊपर की तरफ थोड़े से जो हार्ड हेयर होते हैं और नीचे वाली लेयर्स के अंदर जो हैं सॉफ्ट हेयर होते हैं क्लोज टू द स्किन, जो बिल्कुल इसकी स्किन के साथ चिपके हुए सॉफ्ट हेयर होते हैं. जो सॉफ्ट हेयर होते हैं दे प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, वो वूल बनाने के लिए फाइबर देते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर. कि कई शिप के अंदर सिर्फ सॉफ्ट हेयर ही पाए जाते हैं. देयर पेरेंट शिप आर स्पेशली चूजन सो एज टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. कि उनकी ब्रीडिंग इस तरह से की जाती है, ऐसी वैरायटी के बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है मेल और फीमेल शिप के, कि उनसे जो बच्चे पैदा हों उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट हों.
द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट शिप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और इस तरह से सिलेक्ट करके पेरेंट्स को उनके बीच में ब्रीडिंग करवाना और उनसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करवाने की प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। द नेचुरल कलर ऑफ वूल इज़ जनरली क्रीमी। वूल का कलर जो है, जो शिप से हमें मिलती है वूल, उसका कलर जो है क्रीमी होता है, क्रीमी वाइट। दो सम ब्रीड्स ऑफ शिप प्रोड्यूस वूल हैविंग ब्राउन कलर। लेकिन शिप की कुछ ऐसी वैरायटी भी हैं जो ब्राउन कलर की वूल भी देती हैं। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम गोट हेयर। जो गोट होती हैं, बकरियाँ होती हैं, उनकी हेयर से भी वूल मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। और जो कश्मीरी गोट की भी सॉफ्ट टाइप की वूल मिलती है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल। इनसे शॉल बनाई जाती हैं जिसको पश्मीना शॉल कहा जाता है। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम अंगोरा गोट। अंगोरा वूल भी बहुत फेमस है जो अंगोरा गोट से मिलती है, विच आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर के एरिया में मिलती हैं। यक्स हैव थिक एंड लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी। जो यक्स होते हैं उनके ऊपर जो है, यक हैव थिक एंड लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड वूल। कि यक की बॉडी के ऊपर लॉन्ग हेयर होते हैं जिनसे वूल मिलती है। यक वूल इज़ कॉमनली इन हिली रीजन ऑफ तिब्बत एंड लद्दाख। यहाँ पर ही मेनली जो यक पाए जाते हैं और इनके जो है तिब्बत और लद्दाख के एरिया में मिलते हैं ये मेनली। द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल आर ऑल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल की बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो भी वूल की तरह यूज होते हैं। द एनिमल कॉल्ड लैमा एंड एल्पेका विच आर फाउंड इन साउथ अमेरिका हैव हेयर ऑन देयर बॉडी विच आर प्रोसेस टू यील्ड वूल। जिनके अंदर जो है प्रोसेसिंग करके उनसे ऊन बनाई जाती है, वूल बनाई जाती है। प्लीज़ नोट दैट दो द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल सच एज शीप गोट एंड यक एट्सेट्रा कंस्टिट्यूट वूल, बट इन एवरी डे लैंग्वेज वूल मीन्स द प्रोसेस्ड वूल विच इज द वूल यार्न यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और मेकिंग द शॉल्स। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर बार बार वूल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वूल का मतलब यहाँ पर है ऊन, और ऊन क्या होती है कि जो हेयर मिलते हैं हमें इन एनिमल की बॉडी से, उनसे फाइन थ्रेड बनाए जाते हैं, पहले धागे बनाए जाते हैं, उन धागों को कहा जाता है वूल। तो आज हम यहीं तक करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वूल हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।